हेलो स्टूडेंट, तो आज जो है अल्केन से स्टार्ट करेंगे जो कि हाइड्रोकार्बन का पार्ट टू है। यदि आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट वन देख लें। तो सबसे पहले जो है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे अल्केन का, मतलब किस तरह से अल्केन हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला मेथड है हाइड्रोजिनेशन बाय कैटेलिटिक रिडक्शन ऑफ अल्किन्स एंड अल्काइन्स। अल्किन्स और अल्काइन्स का जब हम लोग रिडक्शन करते हैं, मतलब कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन करेंगे, तो ये अल्केन बना देता है। ये रिएक्शन हम दो जगह बता चुके हैं हाइड्रोजिनेशन जो है। एक बार तो पीओसी वन के टाइम बताए थे हाइड्रोजिनेशन, और एक बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टाइम भी बताए हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टाइम तो पूरा मैकेनिज्म के साथ बताए हैं कि सिन एडिशन होता है, और इसके लिए रिएजेंट होता है H2O-निकेल या फिर प्लेटिनम या पैलेडियम। ये तीनों में से कोई भी एक मेटल हो सकता है, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। और इसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, तो इन दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दे दीजिए, तो आपके पास अल्किन है। जब हाइड्रोजिनेशन होगा तो डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा, तो CH2 CH2 R-। ट्रिपल बॉन्ड के केस में पहले हाइड्रोजिनेशन होगा तो अल्काइन से अल्किन बनेगा, तो एक बॉन्ड हटेगा तो एक एक हाइड्रोजन लगेगा इस तरह से। फिर फर्दर ट्रिपल से डबल बॉन्ड हो गया, अब दूसरा बॉन्ड भी हट जाएगा तो एक एक और हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इस तरह से इस कार्बन से दो हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी दो हाइड्रोजन, तो R-CH2 CH2 R-। तो आपका इस तरह से आप अल्किन या अल्काइन से अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं हाइड्रोजिनेशन करके। उसके लिए H2O-निकेल या फिर निकेल के जगह दूसरा मेटल आप प्लेटिनम या पैलेडियम यूज कर सकते हैं। ये तीनों कैटलिस्ट की तरह यूज होता है हाइड्रोजिनेशन में। हम इसके बारे में डिटेल में बताए हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टाइम, और पीओसी वन के टाइम भी बताए थे कि मल्टीपल बॉन्ड हटाओ हाइड्रोजन लगाओ। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उससे डबल बॉन्ड हटा के एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड हटाइए और दो दो हाइड्रोजन ऐड कीजिए, क्योंकि पहले एक बॉन्ड हटेगा तो एक एक हाइड्रोजन, फिर दूसरा बॉन्ड भी हट जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में, तो सिंगल बॉन्ड सिर्फ बचेगा हाइड्रोजिनेशन में अल्किन, सॉरी अल्काइन का। अल्किन के केस में भी सिंगल बॉन्ड, तो एक ही बॉन्ड हटेगा, डबल बॉन्ड है क्योंकि हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन, सॉरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसेचुरेटेड बॉन्ड। तो अनसेचुरेटेड बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ये अनसेचुरेटेड होता है, तो इसको सेचुरेटेड कर देता है, मतलब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके लिए हाइड्रोजन ऐड करता है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो हाइड्रोजन ऐड करेगा, और इस तरह से कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो जाता है और एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा, फिर फर्दर डबल बॉन्ड से एक 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 और हाइड्रोजन ऐड होगा और इस तरह से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अनसेचुरेटेड बॉन्ड यदि है तो वहां पे हाइड्रोजन का एडिशन होना ही हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। अब ये दो टाइप का होता है हाइड्रोजिनेशन जो है, हेटेरोजिनस और होमोजिनस। तो हेटेरोजिनस जो है नाम से ही आपको पता होगा, हेट्रो और होमो, होमो मतलब सेम। तो अगर एक ही फेज में हाइड्रोजिनेशन होगा, मतलब कैटलिस्ट और अल्किन जो है दोनों सॉल्यूशन फेज में यदि रहे तो उसको होमोजिनस हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। इसमें एक्चुअली में ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स रहता है ट्रांजिशन मेटल लाइक रोडियम और इरिडियम का, और ये सॉल्यूशन में ही रहता है और अल्किन्स भी सॉल्यूशन में ही रहता है, मतलब हाइड्रोजिनेशन जो है सेम फेज में होता है, तो इसको होमोजिनस हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। जबकि हेटरोजिनस में टू फेज हाइड्रोजिनेशन होता है। आपके पास कैटलिस्ट जो है वो तो सॉलिड मेटल है, फाइनली डिवाइडेड मेटल लाइक निकेल प्लेटिनम और पैलेडियम, ये सॉलिड है, जबकि अल्किन का सॉल्यूशन है लिक्विड। तो आपके पास दो फेज है, लिक्विड और सॉलिड। तो हेटरोजिनस में टू फेज हाइड्रोजिनेशन होता है और होमोजिनस में सिंगल फेज वन फेज हाइड्रोजिनेशन होता है। तो अगर वन फेज हाइड्रोजिनेशन है तो होमोजिनस होगा, अगर टू फेज हाइड्रोजिनेशन होता है तो उसको हेटरोजिनस हाइड्रोजिनेशन बोलेंगे। ये आपका H2O-निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम यदि आप यूज कीजिएगा तो ये आपका हेटरोजिनस हाइड्रोजिनेशन है। और अगर ट्रांजिशन मेटल का ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स यदि है जैसे रोडियम इरिडियम का, तो उस केस में होमोजिनस हाइड्रोजिनेशन कहलाएगा। इसके बाद आपका आता है, जैसे देखिए ये एग्जाम्पल है, आपके पास अल्किन है
और इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे H2O लिक्विड से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो एक्चुअली में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टाइम हम डिटेल में बता चुके हैं। ये देखिए सिस स्ट्रक्चर है और ये ट्रांस स्ट्रक्चर है। C2H5 एक दूसरे का अपोजिट साइड है तो ट्रांस है, और यहाँ सिस है। और H2O लिक्विड सिन एडिशन होता है, मतलब हाइड्रोजनेशन जो है सिन एडिशन होता है, ये हम बता चुके हैं। तो यदि सिस प्लस सिन है तो उस केस में मीजो कंपाउंड बनता है। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड जब ऐड होगा तो ये मीजो कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर ट्रांस स्ट्रक्चर है तो उस केस में जब सिन एडिशन होगा तो ट्रांस प्लस सिन से डी प्लस एल प्रोडक्ट बनता है। मतलब ट्रांस स्ट्रक्चर के केस में यदि हाइड्रोजनेशन कीजिएगा तो दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो ये प्लस इसका मिरर इमेज, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो इसका मिरर इमेज ही बनेगा, मतलब डी प्लस एल दो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इस केस में मीजो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मीजो कंपाउंड है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा अगर सिस प्लस सिन एडिशन है। ये एग्जाम्पल भी हम बता चुके हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टाइम। और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में तो बहुत बार सिस प्लस सिन, सिस प्लस एंटी ये सब बताए हैं। सिमिलरली ट्रांस प्लस सिन रहता है तो डी प्लस एल बनता है, और ट्रांस प्लस एंटी रहता है तो मीजो बन जाता है। मतलब एंटी अगर है तो उल्टा हो जाएगा, ट्रांस प्लस एंटी मीजो होता है और सिस प्लस एंटी आपका डी प्लस एल हो जाता है, क्योंकि सिस प्लस सिन मीजो रहता है। मतलब सिस प्लस एंटी यदि है तो उस केस में आपका, सॉरी हाँ यहाँ एंटी होगा, तो सिस प्लस एंटी में डी प्लस एल मतलब दो प्रोडक्ट बनता है। अगर एंटी रहता है तो सिस के केस में दो प्रोडक्ट और ट्रांस के केस में मीजो, और अगर सिन एडिशन होता है तो सिस के केस में मीजो और ट्रांस के केस में डी प्लस एल। ऐसे भी आप हम मेथड पूरा अच्छे से बता दिए हैं कि इसको इस तरह से लिखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस तरफ C2H5 है, यहाँ CH3 है, सिमिलरली इस तरफ CH3 है, इस तरफ C2H5 है, ये ट्रांस वाला। तो सिन एडिशन मतलब दोनों हाइड्रोजन ऊपर से ही ऐड होगा, तो जब ऊपर से ऐड होगा तो इसका आप इस तरह से न्यूमान बना लीजिए। तो हाइड्रोजन जब ऐड होगा तो ये वाला बॉन्ड हल्का इस तरफ जाएगा ना, C2H5, और लेफ्ट साइड में CH3 है तो ये हल्का इस तरह से मुड़ेगा, नीचे की तरफ दोनों बॉन्ड मुड़ जाएगा, तो इस तरह से CH3। इस केस में भी हाइड्रोजन ऊपर से, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऊपर से लगा दीजिए, CH3 नीचे की तरफ मुड़ेगा, तो राइट साइड में है तो राइट साइड में ही CH3 होगा, और लेफ्ट साइड में C2H5 है तो ये नीचे की तरफ मुड़ेगा और लेफ्ट साइड में C2H5। अब जो है इसका फिशर प्रोजेक्शन बना लीजिए इस तरह से, सावहॉर्स प्रोजेक्शन से, या फिर इसका न्यूमान बनाइए फिर फिशर बनाइए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें ना तो POS है ना COS है, क्योंकि हाइड्रोजन के सामने तो हाइड्रोजन है, मिथाइल के सामने C2H5 आ जाता है, जबकि मिथाइल के सामने मिथाइल आना चाहिए POS के लिए, तो POS नहीं है, और COS के लिए हाइड्रोजन के नीचे साइड हाइड्रोजन जाना चाहिए, तो इसको आप घुमा दीजिए। क्योंकि हम बताए थे कि इन सभी में से अगर किसी भी स्ट्रक्चर में कन्फॉर्मर में अगर POS US प्रेजेंट है किसी भी कन्फॉर्मर में, तो उसमें POS US प्रेजेंट है, तो आप किसी तरह से रोटेट करके देख लीजिए, ये वाला जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है तो ये रोटेट होता है। ये सब हम डिटेल में बताए हैं स्टीरियो आइसोमर के टाइम। तो आप रोटेट करके हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन तो ला दीजिएगा नीचे करके, लेकिन इस तरफ आ जाएगा ऊपर की तरफ C2H5 आएगा और इस तरफ मिथाइल आ जाएगा जब ये बॉन्ड इस तरह से रोटेट होगा, तो और ये तीनों हट जाएगा तो हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन आ गया, लेकिन मिथाइल के सामने इथाइल है, जबकि मिथाइल के सामने मिथाइल चाहिए COS के लिए, तो COS भी नहीं होगा। आप किसी तरह से भी रोटेट करके देख लीजिए, तीनों आमने सामने नहीं होगा, तो ना तो POS प्रेजेंट है ना COS प्रेजेंट है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो दिस प्लस इसका मिरर इमेज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए डी प्लस एल। सिमिलरली आप सिस स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं, तो उस केस में यहाँ पे एक स्विच करना पड़ेगा ताकि C2H5 और C2H5 एक साइड आ जाए, या फिर मिथाइल और मिथाइल एक साइड आ जाएगा। उसके बाद जब आप ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड ऐड कीजिएगा तो देखिएगा कि इसमें POS भी प्रेजेंट है और COS भी प्रेजेंट है, मतलब मिथाइल के सामने मिथाइल, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन और इथाइल के सामने इथाइल, तो POS प्रेजेंट है इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब ये मीजो कंपाउंड बनाता है सिस प्लस सिन एडिशन से। इसके बाद सेकेंड मेथड है फ्रॉम अल्काइल हेलाइड। तो अल्काइल हेलाइड से हम लोग किस तरह से अल्केन बना सकते हैं? तो पहला है बाय उर्ज रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हम लोग उर्ज रिएक्शन देखे थे कि RX का रिएक्शन यदि हम सोडियम के साथ करवाते हैं, सोडियम मेटल के साथ, तो ये होमोलाइज करके
कपलिंग रिएक्शन शो करता है और आर आर अल्केन बना लेता है, मतलब हाइड्रोकार्बन बनाता है। और ज्यादा डिटेल में तो हम पिछले लेक्चर में उर्ज रिएक्शन के बारे में बता चुके हैं, हाइड्रोकार्बन का पार्ट फर्स्ट में। इसके बाद सेकेंड मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड, मतलब अल्काइल हेलाइड के रिडक्शन से भी हम लोग अल्केन बना सकते हैं। तो रिडक्शन का पहला मेथड है विथ मेटल एसिड, मतलब मेटल ओब्लिक एसिड, मेटल ओब्लिक एच प्लस के प्रेजेंस में अगर अल्काइल हेलाइड को रिड्यूस करवाएंगे तो ये हाइड्रोकार्बन आर एच प्लस एच एक्स बना लेता है, मतलब आर एच से आर एच हाइड्रोकार्बन बनता है, ये आपका अल्केन है। अगर ये अल्काइल हेलाइड है तो DCCH3Cl, इसका रिएक्शन आप ZN ओब्लिक एच सी एल से कर दीजिए, तो ये जो है CH4+ ZnCl2 बनाएगा। तो एक्चुअली में क्या है कि ZN जो है, मेटल जनरली रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये एसिड के प्रेजेंस में अल्काइल हेलाइड को रिड्यूस कर देता है और इस तरह से CH3Cl मिथाइल क्लोराइड से मीथेन बन जाता है CH4। तो यही हमको बनाना था अल्केन, तो इस तरह से मेटल एसिड से आप हाइड्रोकार्बन अल्केन बना सकते हैं। और इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है, तो एक तो आपका जेड एन ओब्लिक एच सी एल हो सकता है, मेटल ओब्लिक एच प्लस, या फिर जेड एन सी यू ओब्लिक एच टू ओ, या जेड एन सी यू प्लस एसिटिक एसिड, एच टू ओ की जगह एसिटिक एसिड भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब मेटल ओब्लिक एच प्लस। ये दो मेटल का एलवाई है जेड एन सी यू, एक्चुअली में ये भी मेटल ही है, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो मिक्सचर भी रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा। या फिर आप जेड एन सी यू ओब्लिक इथानल ले सकते हैं, C2H5OH, इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है इथानल जो है। या फिर आप NaHg ओब्लिक HCl का यूज कर सकते हैं, या फिर AlHg ओब्लिक H2OETC, तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके आप अल्काइल हेलाइड को हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब अल्केन में रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड है आप मेटल हाइड्राइड से भी रिड्यूस कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए TPH, ट्राई फिनाइल टीन हाइड्राइड, PH3SNH, इससे आप अल्काइल हेलाइड को रिड्यूस कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड। तो अगर आपके पास अल्काइल हेलाइड है, इसका रिएक्शन आप TPH, ट्राई फिनाइल टीन हाइड्राइड से करवाइएगा, तो ये आर एक्स से आर एच, यहाँ पे एक्स नहीं एच होगा, क्योंकि आर एक्स से आर एक्स, अल्काइल हेलाइड से अल्काइल हेलाइड थोड़ी ना बनाना है ऐसे भी, तो ये तो ऑब्वियस बात है यहाँ एक्स नहीं होगा, ये हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस करता है, मतलब इस तरह से अल्केन बन जाएगा आपका। या फिर दूसरा मेटल NaBH4 या LiLH4 आप यूज कर सकते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बता चुके हैं, NaBH4 या LiLH4 के बारे में ORM1 के टाइम, ये एच माइनस हाइड्राइड रिलीज करता है। सिमिलरली LiLH4 भी एच माइनस रिलीज करता है, ये एच प्लस रिलीज नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, मतलब ये हाइड्राइड है। और LiLH4 स्ट्रोंग होता है एज कम्पेयर टू NaBH4, तो NaBH4 जो है 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड को रिड्यूस कर देता है हाइड्रोकार्बन में, मतलब आपके पास यदि 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड है, उसका रिएक्शन अगर NaBH4 से करवाइएगा तो ये आर एच हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस कर देगा, मतलब अल्केन बना देगा। और LiLH4 जो है 1 डिग्री या 2 डिग्री को तो अल्केन में रिड्यूस करता है, लेकिन 3 डिग्री के केस में LiLH4 जो है वो अल्कीन बनाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि 1 डिग्री या 2 डिग्री है, तो उस केस में LiLH4 के साथ यदि रिएक्शन करवाएंगे तो SN2 मैकेनिज्म होता है, और 3 डिग्री के केस में इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, E2 रिएक्शन। और NaBH4 के केस में SN1 मैकेनिज्म होता है 2 डिग्री या 3 डिग्री, इसीलिए तो जब 1 डिग्री रहता है तो उस केस में रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि SN1 SN2 अगर आपको ध्यान हो ORM3 के टाइम, तो SN1 क्या होता था कि SN1 के केस में कार्बोकेटायन बनता था, लेकिन ये 1 डिग्री है तो CH3+ कार्बोकेटायन, जबकि 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बनेगा, जैसे CH3 CH2+ है, CH2+ यहाँ पे Cl लगा हुआ रहता, Cl हट गया तो प्लस आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये स्टेबल है थोड़ा सा, लेकिन 1 डिग्री बहुत ही अनस्टेबल होता है। वहां पे हम डिटेल में बताए थे कि सबसे स्लो रिएक्शन 1 डिग्री देता है अल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि ये कार्बोकेटायन बहुत ही स्लो बनाता है, और इससे फास्ट देता है 2 डिग्री और इससे फास्ट देता है 3 डिग्री, तो ये अनस्टेबल होने के कारण NaBH4 के केस में तो 1 डिग्री जो है वो SN1 मैकेनिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री शो कर देगा और ये हाइड्रोकार्बन बनाएगा। एक्चुअली में NaBH4 H- रिलीज करता है,
तो एच माइनस यहां से पहले एक्स माइनस जाएगा तो आर प्लस कार्बोकेटाइन बनेगा, और इस आर प्लस के साथ एच माइनस एटेच हो जाएगा तो आर एच बना लेगा। तो ये तो एस एन वन मैकेनिज्म हो गया। लेकिन एल आई एल एच फोर के केस में एस एन टू मैकेनिज्म होता है 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में, और 3 डिग्री में इलिमिनेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि एस एन टू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हिंड्रेंस के। तो 1 डिग्री आपका जैसे एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एल, 2 डिग्री हो गया सी एच थ्री सी एच थ्री सी एल, ये 2 डिग्री हुआ, सॉरी ये 1 डिग्री हुआ, सी एच थ्री सी एच टू सी एल, ये वाला 1 डिग्री, ये तो एक भी डिग्री नहीं, एक भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ सी एच थ्री सी एच टू सी एल कर दीजिए, तो ये आपका 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये सी एच थ्री सी एल, ये 3 डिग्री है। यहां से इस तरह से हटाइए तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो आपको पता होगा कि कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, दो कार्बन के साथ जुड़ा है तो इसका डिग्री 2 होगा। सिमिलरली ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री, और वही फंक्शनल ग्रुप का भी डिग्री हो जाता है नाइट्रोजन के अलावा। नाइट्रोजन के केस में अलग होता है, ये डिटेल में हम बताए थे। तो क्लोरीन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। सिमिलरली ये क्लोरीन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, और ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और तीनों का डिग्री पता चल गया। तो देखिए इस केस में हिंड्रेंस कम है, एच माइनस आएगा अटैक करेगा सी एल माइनस बाहर। इस केस में थोड़ा हिंड्रेंस ज्यादा है फिर भी अटैक करेगा सी एल माइनस बाहर, लेकिन इससे रिएक्शन स्लो होगा। इस केस में तीन तीन बड़ा ग्रुप घेर लिया है, एच माइनस अटैक बहुत ही मुश्किल से मतलब ना के बराबर करेगा, तो इस केस में एस एन टू नहीं हो पाता, इलिमिनेशन होता है। यहां से सी एल, यहां से एच जाएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। इलिमिनेशन के बारे में बता चुके हैं ई टू, तो इसलिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में अल्किन बनता है, इलिमिनेशन रिएक्शन होता है। बाकी 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो एस एन टू होगा, और एन ए बी एच फोर के केस में एस एन वन होता है, क्योंकि एल आई एल एच फोर स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आसानी से एच माइनस रिलीज कर देता है, मतलब स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल, और ये एच माइनस उतना आसानी से रिलीज नहीं करता है, तो इसलिए ये वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, ये जो एच माइनस है। तो इसलिए एन ए बी एच फोर के केस में एस एन वन मैकेनिज्म होता है वीक न्यूक्लियोफाइल के कारण, और एल आई एल एच फोर के केस में एस एन टू। लेकिन 3 डिग्री में हिंड्रेंस हो जाता है तो एस एन टू का रेट ऑफ रिएक्शन होता है 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, और बहुत ही स्लो होता है 3 डिग्री, ना के बराबर। तो इस केस में इलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर हो जाता है, क्योंकि एस एन टू बहुत ही स्लो होता है, 3 डिग्री एस एन टू नहीं ही करता है, इतना ज्यादा हिंड्रेंस रहता है 3 डिग्री कार्बन के पास की, कि ये आसानी से एच माइनस अटैक नहीं कर पाता और सी एल माइनस बाहर नहीं पाता, इसलिए ई टू रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में इलिमिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे भी इलिमिनेशन होगा, लेकिन एस एन टू मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब थोड़ा मोड़ा इलिमिनेशन होगा अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो। उस केस में एच माइनस अटैक करेगा सी एल माइनस बाहर, इलिमिनेशन प्रोडक्ट बहुत ही कम बन पाएगा, 2-3% मान लीजिए, 4% या 5%, लेकिन मेजर आपका एस एन टू के द्वारा अल्केन ही बनेगा। लेकिन इस केस में हिंड्रेंस बहुत ज्यादा रहेगा, तो इस केस में एस एन टू बहुत ही कम होगा, 1-2% या 3% के आसपास बनेगा जो अल्केन होता है, लेकिन मेजर तो इलिमिनेशन प्रोडक्ट ही होगा। तो इस केस में 3 डिग्री इलिमिनेशन, 1 डिग्री और 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन बनाएगा, अल्केन बनाएगा, और एन ए बी एच फोर के केस में 1 डिग्री तो प्रोडक्ट ही नहीं बनाएगा, और 2 डिग्री 3 डिग्री के केस में अल्केन बनेगा। इसके बाद थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से किस तरह से अल्केन बनाते हैं, तो पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट आपको पता होगा आर एम जी एक्स, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रोंग बेस होता है, आर माइनस जो है, आर एम जी एक्स में आर माइनस और एम जी एक्स प्लस होता है, इस तरह से बहुत ही आयोनिक बॉन्ड होता है ये वाला जो बॉन्ड है, तो इसको आर माइनस आप मान सकते हैं, स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल है। तो आर एक्स अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब एम जी ओब्लिक ईथर से करते हैं तो ये आर एम जी एक्स बनता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये हम बता चुके हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट के टाइम, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब ये जो आर एम जी एक्स है किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ यदि रिएक्शन करेगा तो ये आर एच बनाता है अल्केन। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब एसिडिक हाइड्रोजन, एक्चुअली में ये स्ट्रोंग बेस और स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो आपको पता होगा कि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। तो जब भी एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा तो एसिडिक हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ये बेस की तरह एक्ट करेगा और एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये आर माइनस बेस एच प्लस एक्सेप्ट करके आर एच बना लेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा।
स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल की तरह तब एक्ट करेगा जब कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं रहेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, ये पहले ही एसिड बेस रिएक्शन करके आरएच बना लेगा। जैसे देखिए आरएमजीएक्स ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, इसका रिएक्शन करवाएगा H2O के साथ, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है, एच प्लस रहता है H2O में, तो ये आर माइनस जो है एच प्लस एक्सेप्ट करके आरएच बनाएगा और ये MgOH X बनेगा। एक्चुअली में इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जिसपे डेल्टा निगेटिव चार्ज उसको एच प्लस और जिसपे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उसको OH माइनस, तो MgX प्लस है तो ये OH एक्सेप्ट करेगा तो MgOH X बनेगा, और ये माइनस जो है R माइनस वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो RH बनेगा। अब सिमिलरली ROH, तो ROH में H प्लस RO माइनस, इसी तरह से आप समझिए जिस तरह से हाइड्रोलिसिस है, ये तो H प्लस एक्सेप्ट करके एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक होता है। सिमिलरली अमोनिया के केस में भी ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये टर्मिनल अल्काइन वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है, सल्फर से कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक, और ये तो कार्बोक्साइलिक एसिड एसिड है ही, तो ये वाला ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक तो है ही, तो ये सब केस में एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ऑल एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के केस में ये एच प्लस एक्सेप्ट करके आर एच बनाता है, तो इस तरह से आर एच आर एच आर एच आर एच आर एच अल्केन बन गया। इस केस में MgOrX बनेगा, मतलब ओ आर डैश, ये आर डैश वैसे है तो ये ओ आर डैश MgX के साथ जाएगा। सिमिलरली H प्लस जाएगा यहाँ तो ये NH2, तो MgNH2 होल X, यहाँ माइनस और ये प्लस, प्लस वाला गया यहाँ R माइनस जो H प्लस एक्सेप्ट किया, और ये C ट्रिपल बॉन्ड C आर डैश MgX प्लस के साथ गया। सिमिलरली S आर डैश Mg के साथ गया MgX के साथ। सिमिलरली आर सी ओ ओ, तो आर सी ओ मतलब सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से लिखा है, ओ सी ओ आर लिखिए या आर सी डबल बॉन्ड ओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बाय प्रोडक्ट है। कहने का मतलब कि इस तरह से अल्केन बनता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन यदि हम किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ करवाते हैं, तो डिटेल में हम ORM1 में बता चुके हैं एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन इसका, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का। इसके बाद सेकेंड है कोरे हाउस अल्किन सिंथेसिस, ये हम पिछले लेक्चर में बताए हाइड्रोकार्बन का कि R2CuAl, इसका रिएक्शन जब अल्काइल हैलाइड के साथ होता है तो ये R और ये R, मतलब यहाँ अगर R डैश है तो ये R डैश और ये R, ये एक्चुअली में फिर से R माइनस ही है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होने के कारण, R माइनस अटैक करेगा X माइनस बाहर SN2 मैकेनिज्म, तो R और R डैश के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये हाइड्रोकार्बन बना लेगा अल्केन। तो इस तरह से कोरे हाउस अल्केन सिंथेसिस से भी हम लोग अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड है बाय फ्रैकलैंड्स रिएजेंट, तो इस केस में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड जिंक के साथ रिएक्शन करता है, RX प्लस ZN ओब्लिक ईथर, ईथर तो सॉल्वेंट है तो ये जो है RR प्लस ZnX2 बनाता है, तो इसका दो मोलिक्यूल रहता है और एक मोलिक्यूल जिंक का, तो RX का दो मोलिक्यूल लिए एक मोलिक्यूल जिंक का, यहाँ से हेलोजन यहाँ से हेलोजन, ये दोनों जिंक के पास चला जाता है और ये आर आर आपस में कंबाइन करता है, ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और अल्केन बनता है आर आर प्लस ZnX2। अब अगर हेलोजन क्लोरीन है आपका तो ZnCl2 बनेगा, ब्रोमीन है तो ZnBr2, इस तरह से। इसके बाद फोर्थ है कार्बोजाइलिक एसिड से, तो कार्बोजाइलिक एसिड से दो मेथड है, एक तो सोडा लाइम दूसरा कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, दोनों हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि कार्बोजाइलिक एसिड का रिएक्शन जब सोडा लाइम से करेंगे तो -CO2 होगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और अल्केन बनता है। सिमिलरली कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है RCOOK का, मतलब साल्ट का, ये एक्चुअली में कार्बोजाइलिक एसिड का साल्ट है, तो इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो इस तरह से ये R जो है इस तरह से आर आर कपलिंग करके रिएक्शन करता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये सब डिटेल में हम Part 1 में बताए हाइड्रोकार्बन का, पिछले ही लेक्चर में बता चुके हैं। अब जो है अगले लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ अल्केन को ही कंटिन्यू कर रहे होंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।